वेलकम टू माय चैनल झारखंड टॉपिक विद्या गैसेस सेमेस्टर थर्ड। तो आज हम सभी सामाजिक शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, मानव अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। मानव अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें प्रश्न संख्या 1 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझें। प्रश्न संख्या 2 है, मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करें। मानव अधिकार, मानव का अपना जो अधिकार है, इसकी अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मानव अधिकारों का वर्गीकरण की विवेचना करें। मानव के अधिकार, मानव का जो अधिकार है उसका वर्गीकरण यानी कि विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसका क्या कारण है, विवेचना करें, वर्णन करें। प्रश्न संख्या 4 है, जो कि अगले साल ही पूछा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें। मानव के अधिकार, मानव का जो अधिकार है उसकी सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना का वर्णन करें। 1948 में इसकी क्या घोषणा की गई थी, इसके बारे में हमें संक्षिप्त वर्णन करें। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विवेचना करें। मानव, एक्सप्लेन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि मानव अधिकार क्या हैं, इसके बारे में इसके अधिकारों की विवेचना करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। मानव का जो अधिकार है उस संरक्षण का अधिनियम कहाँ से जारी किएगा, इसका मूल्यांकन करें, मतलब इसी बारे में वर्णन करें। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसके अधिकार हमें क्या अधिकार देती है संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके बारे में एक निबंध लिखना है। आगे आपकी प्रश्न संख्या 8, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव के अधिकारों का दुरुपयोग
एवं हनन के संबंध में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मानव का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है एवं हनन के संबंध में पुलिस जो इसके दुरुपयोग हो रहा है, हनन हो रहा है, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है इसके बारे में वो वर्णन कर रहा है। पुलिस किस प्रकार मानव अधिकारों का दुरुपयोग एवं हनन में सहायता रोकने की प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 9, महिलाएं मानव अधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार हैं। इस कथन की विवेचना भारत की विशेष संदर्भ में किया गया है। महिलाएं जो होती है मानव अधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है, उसकी सर्वोच्च शिकार है इस कथन, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या संदर्भ में है, इसके बारे में हमें विवरण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन्हें जरूर से जरूर पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों का हमारे झारखंड यूट्यूब चैनल स्वागत है। आप सभी लोग हमें बहुत ही सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।